समुद्र के अंदर लहरें बहुत ज़्यादा है, उसके बीच में जाने की कोशिश करेंगे, आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे इस जगह। देखिए खूबसूरती इस पानी के अंदर, काफ़ी दूर दूर तक है। देखिए लहरें मार रही हैं, लहरें भी काफ़ी है, हवाएं चल रही है समुद्र की तरफ। देख सकते हैं लोग घूमने के लिए आते हैं लेकिन इसके अंदर नहीं आ सकते क्योंकि पानी लगातार बढ़ते जा रही है। और पानी अगर रात में 6 बजे के बाद देखेंगे तो यहाँ पे पानी जिस जगह पे हम खड़े हैं वो जगह को फूल किया जाता है क्योंकि बारिश पानी वहाँ तक चला जाता है, बहुत दूर तक चला जाता है, लेकिन वहाँ भी खाली है। जैसे जैसे रात ढलती है उसके वजह से पानी बढ़ते जाते हैं। देखिए किस तरह लहर मार रहा है इससे। हम कुछ और दूर पे ध्यान दिखा रहे हैं, हवाई यात्रा कर सकते हैं इसके ऊपर से। देखिए किस तरह हवाई यात्रा हो रहा है। आज हम 2 घंटे की पूरी मूवी दिखाने वाले हैं क्योंकि समुद्र के अंदर और समुद्र के काफ़ी नज़दीक लहरों के बीच देख सकते हैं लोग किस तरह यहाँ पे आते हैं। और हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं ये समुद्र है, काफ़ी लहरें तेज है। फिलहाल इस लहरें को देखने के लिए लोग दूर दराज से आए हुए हैं, शायद अमेरिका दुबई से ही लोग चलकर कतर के पास पहुँचे। समुद्र की लहरें, ये तेज लहरें की वजह से लोग सतर्क रहे क्योंकि लहरें कब किसको डुबा देगी कोई को पता नहीं है। लेकिन फिर भी समुद्र के पास, समुद्र के नज़दीक देखिए किस तरह ये लहर उठती है। ऊपर के ऊपर से प्लेन जा रही और प्लेन के ऊपर चढ़ने का कुछ मजा ही कुछ और है क्योंकि ऊपर से प्लेन, नीचे से समुद्र, मतलब तेज हवाओं के बीच ये मुकाबला होता है। एक तरफ नीचे पानी तो ऊपर है मौत, ऐसे मौत के ऊपर समुद्र, मौत के नीचे समुद्र, लेकिन ऊपर है जहाज़। खूबसूरती नज़ारा, रहने वाले लोग कुछ खास देख रहे हैं। लहरें देख सकते हैं लगातार तोड़ मार रही है और उसके आगे देख सकते हैं क्योंकि सीप चल रहे हैं, उस सीप में बैठने का मज़ा ही कुछ और है क्योंकि इसके बीच में ले जाएंगे आपको उस बीच नज़ारे को देखने के लिए। लोग पच्ची से देखिए पच्ची, हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्लेन आ रहा है हवाई यात्रा मुंबई की तरफ जाने के लिए। लेकिन देखिए तेज लहरों की वजह से प्लेन भी एक रोटार टाक दिए, एक दूसरे रूट पर चले जाती है। उस जगह को दिखाने की कोशिश करेंगे, लगातार हम जुड़े हुए हैं आपसे। समुद्र, इसी के बारे में लोग बात करते थे, आज है उस जगह पे आया। उस जगह पे आने का मतलब है समुद्र को देखना। देखिए किस तरह लगातार तोड़ मार रही है इस लहरे में, अगर चाहे लोगों को लगातार पानी बढ़ रही है क्योंकि पानी बढ़ती वजह से थोड़ी सी दूर तक जा सकती है। लोग घूमने के लिए पानी के अंदर आ रहे हैं लगातार, लोग देखिए लगातार लोग आते ही जा रहे हैं इस माहौल के देखने, इस जगह को देखने के लिए क्योंकि तेज लहरों के बीच कुछ युवक भी है जो लगातार नहा रहे हैं, समुद्र का आनंद ले रहे हैं। इसमें घूमना, इसमें रहना और कुछ मजा ही कुछ और है। कोई लोग पिकनिक में आता, जुमा का दिन है, जुमे के में लोग दूर दराज से घूमने के लिए आते हैं, आज छुट्टी के दिन है, इस छुट्टी की वजह से लोग समुद्र की सैर कराना चाहते हैं। वो सैर मैं दिखा सकता हूँ। देखिए किस तरह प्लेन, ये ही प्लेन के बारे में बात करते हैं, ये मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। फिलहाल ये जहाज़ समुद्र के बीच में, कतर एयरवेज बस दूरी में है, कुछ थोड़े से दूर लगते हैं यहाँ से। लगातार नगीच है, लगभग 2 किलोमीटर की दूर में एक हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे से उड़ान भर के इस समुद्र के बीच में आया है। देख सकते हैं किस तरह हवाई यात्रा कर रहा है, यही प्लेन है वो जो हवाई यात्रा कर रहा है इस जगह की। लोग अगर ऊपर से वीडियो बना रहे होंगे लेकिन मैं नीचे से वीडियो बना रहा हूँ। यही है कतर एयरवेज की एक फ़्लाइट नंबर 82021 हवाई उड़ान भर चुकी है। कतर एयरवेज की ये फ्लाइट संख्या 81 ये सीधे दुबई के लिए रवाना हो चुकी है। क्या नज़ारा होगा, लोग देख रहे हो तो इस समुद्र को, तेज लहरों तेज तूफानों के साथ
समुद्र के पास। लगभग ये 2 घंटे का फिल्म है, 3 घंटे का मूवीज है। लोग देखे युवक इसी के बारे में बात कर रहे थे, लोग नहाने आते हैं समुद्र के काफ़ी किनारे, क्योंकि समुद्र लहर ऐसा चलता है कि यहाँ से लोग बह जाते हैं, लेकिन बहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लोग सेफ्टी के साथ से यहाँ पे नहाते हैं। मैं उसी जगह को दिखाना चाहता हूँ, हिंडालको एयरपोर्ट नज़दीकी मामला, काफ़ी करीबी मामला था। यहाँ पे देख सकते हैं समुद्र तेज़ लहरों के साथ, तेज़ तूफानों के साथ कुछ युवक नहा रहे, उससे बात करेंगे। सोच रहे आप लोगों को नगीस से दिखा दें, क्योंकि नगीस का नज़ारा कुछ और होता है। थोड़ा और करीब जाने का कोशिश कर रहे हैं और कोशिश में कामयाब होते हुए। फ्लाइट लगातार उड़ रही है, एयरपोर्ट नगीस है और इस एयरपोर्ट से नज़ारा देखिए, काफ़ी ही बेहतर मुकाबला है इस समुद्र का। देखिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं, काफ़ी नज़दीक। ये सूरज, इस सूरज की बात कर रहा था, काफ़ी नज़दीक से जाती है, सूरज का नज़ारा देख ले, क्योंकि देखने को मिलेगा नहीं भी ऐसा नज़ारा ये सिर्फ कतर में, कतर एयरवेज। देखिए नीचे पानी ऊपर समुद्र, मतलब काफ़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन आने के बाद समुद्र का नज़ारा कम कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पे पिकनिक करने आते हैं, छुट्टी में घूमने आते हैं। और वो देखिए फ्लाइट, एक और फ्लाइट लगातार फ्लाइट आ रही है। कुछ नज़दीकी का और नज़दीक ले या चलते हैं आपको। ये थोड़ा सा सूरज का नज़ारा देख ले, रात ढलती है, शाम ढलती है, तो नज़र कुछ और आता है इस सूरज में। आपको बार बार दिखा रही कोशिश कर रहा है समुद्र का, युवा कह के नहा रहा है, ये भी सूखी है। कुछ देर के पास यहाँ पे पानी आ जाएगा, क्योंकि लहरें तेज आती है, तो उसके वजह से ये भी भर जाता है। और आगे जाएंगे, 6 जैसे शाम ढलती है, उस शाम में पानी का बढ़ाव तेज होता है और खूब करीब आता है। ये अभी जैसे जैसे दिन ढलता है तो पानी कम हो जाते हैं, पानी उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन अभी जैसे शाम ढलेंगे तो पानी करीब हमारे करीब आते हुए वो उस समुद्र के पीछे आगे चले जाएंगे, लोग हटते जाते हैं। वो ब्रिज में कुछ युवक थी, उस ब्रिज में कुछ युवक थी अपने नज़ारे को दिखाना चाहते हैं, वो अपने मंजर को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से देखना यहाँ से देखना बराबर नहीं है, बल्कि अलग है। फ्लाइट लगातार फ्लाइट आ रही है, लगातार फ्लाइट आ रही है, कोशिश करेंगे दिखाने का आप। फिलहाल समुद्र के बीच ये ब्रिज कतर के नाम से मशहूर है, कतर एयरवेज के नाम से मशहूर है। कतर का बहुत सारी फ्लाइट यहाँ से उड़ती है और कतर के लिए हर राज्य के लिए हर देश के लिए फ्लाइट जाती है। फिलहाल यहाँ से भी रवाना हुआ है, कुछ युवक देख सकते हैं अंदर की तरफ से नहा रहे, अपने क्षमता दिखा रहे हैं, इस पानी में इस बाढ़ में मैं तैर सकता हूँ, उसके लिए तेज चलते अंदर। ये समुद्र की तेज लहरें, उसमें के बीच में युवक, ये काफ़ी दूर तक इसकी गहराई ना भी नहीं जा सकती, ना इसकी दूरी देखी जा सकती है, ये कितने दूर तक फैला है इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। साइंटिस्ट ने बहुत सारे अपने आप को दिखाना चाहते थे इस गहराई, इसकी चौड़ाई, लेकिन नाप नहीं पाए, क्योंकि इसकी नापना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। आज कठिन करीब बहुत ही कठिन परिस्थिति है, लेकिन इस परिस्थिति के बाद भी मैं अंदर आके नापने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमसे भी नहीं पा रहा है, क्योंकि इसे नापना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम में पड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, लेकिन नाप नहीं पाए तो मैं क्या नापाऊँगा। लेकिन फिर भी कुछ आपको दिखा दूँ, देखने के लिए आया था समुद्र और
लोगों को दिखाने के लिए आया था समुद्र उसके बीच में। अबे मछली भी बहुत सारी मछली है, लेकिन नीचे मछली है, बहुत सारी मछली है, लगातार फ्लाई जा रही है। तेज लहरों के साथ बाढ़ बड़ा हुआ अचमन। इस तरह लहर मार रही है, इसी को दिखाना चाह रहे थे आपको, वो दिखाने के लिए मैं कुछ नदी से आया हूँ। लेकिन जैसे जैसे रात ढलेगी वैसे वैसे पानी बढ़ता रहे, क्योंकि ये पानी जाती है कुछ दूर तक। जैसे रात बढ़ेंगे, जैसे रात शाम ढलेगी, उस तरह से पानी देखिए इस तरह पानी घिसते हुए कुछ दूर तक जाएगी और इसके वजह से पानी बढ़ जाती है। जैसे जैसे देखिए कुछ लोग नहा रहे हैं, ऊपर से कतर एयरवेज की फ्लाइट जा रही है। लेते हैं विदा, क्योंकि अब दूसरी वीडियो बनाने के लिए हो तैयार। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।